ये जैसे ही ऑफिस से आते हैं तो देखते हैं कि गाड़ी का मिरर टूटा हुआ है। ये देख के गुस्सा होते हुए जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो बिटिया रानी हाथ में केक लिए हुए पापा हैप्पी बर्थडे बोलती है। तो ये बोलते हैं बेटा पहले ये बताओ गाड़ी का मिरर कैसे टूटा, केक तो बाद में भी काट लेंगे। तो ये दादाजी बोलते हैं बेटा इधर आओ बैठो मैं सब बताता हूं। बोलते हैं कि हम लोग तुम्हारे बर्थडे केक के लिए गए हुए थे, बिटिया रानी ड्राइविंग कर रही थी और मैं बगल में बैठा हुआ था। और झूठी मूठी कहानी बनाने लगते हैं लेकिन बाद में पता चल जाता है कि गाड़ी ये खुद चला रहे थे। तो लास्ट में बिटिया रानी बिल्कुल सही सही बता देती है कि पापा मैं दादाजी को ड्राइविंग सिखा रही थी, उसी समय मिरर टूट गया। इतना सुनते ही बेटा अपने पापा के पास आकर बड़े ही प्यार से बोलता है, पापा जब बचपन में आपको पता चला था कि स्कूटर का लाइट हमने ही तोड़ा है तो आपने हमें उसी दिन ड्राइविंग सिखा दिया था, चलिए उसी तरह हम आपको आज कार चलाना सिखाते हैं। और दोनों आदमी मुस्कुराते हुए ड्राइविंग सीखने और सिखाने चले जाते हैं। दोस्तों जैसे बचपन में हमारे मम्मी पापा हमारा ख्याल रखा करते हैं, हमें भी वैसे ही इनका ख्याल रखना चाहिए। हर मम्मी पापा के लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है।